हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और आज मैं नवोदय विद्यालय TGT फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 सेट डाल चुका है, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपका जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यकीन मानिए कि जिस तरह के नवोदय विद्यालय और KVS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बस वैसे ही क्वेश्चंस को डील करूँगा जो कि साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपने देखा होगा अगर KVS का एग्ज़ाम कभी दिया होगा तो चारों ऑप्शन आपको लगेगा कि एक जैसा है। अब बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। वो पुराना वाला ट्रेडिशन नहीं है कि आप सिंपली देख के बता सकते हैं या क्वेश्चन रट सकते हैं, तो ऐसे होगा नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम्स निकालने हैं फिजिकल एजुकेशन में तो कम से कम थ्योरी आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन इंडिया। तो हमें जितने भी ये इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं इन सबको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि कौन सबसे पहले हुआ है और उससे लेकर घटते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहला जो है YMCA, तो YMCA कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है LNCP ग्वालियर, LNCP ग्वालियर है 1950, ठीक है, 7 में। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये हुआ है 1954 में, ठीक है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है 1984 में। तो आप इसको लगा सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर 1। तो इसका देख रहे हैं ये आपको कहाँ लग रहा है, किस ऑप्शन में लग रहा है आपको, तो यहाँ 4 2 3 1, 3 4 1 2 1 4, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, साई हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड इन, जो साई का हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? NIS नॉर्थ ईस्ट इम्फाल मणिपुर में है, NIS लखनऊ यूपी में है, सिलारो हिमाचल प्रदेश, NSNIS पटियाला पंजाब। NIS लखनऊ यूपी ये है ही नहीं, ठीक है, ये गलत है एकदम, आपको बता दो ये तो ऑप्शन बी होगा ही नहीं। तो इसका सही राइट आंसर है सिलारो, ठीक है, सिलारो हिमाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे साई के द्वारा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की सुविधा बनाई गई है। आगे बात करें, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो देखिए मैंने खुद ही नहीं लगाया हूँ, जिस पर आपको मैंने लगाया हुआ है मार्क्स सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी आएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स में। जैसे अभी जो पिछले साल गेम हुए हैं फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं, ठीक है, और जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं और एशियन गेम्स हुए हैं, तो इन सबसे एक क्या क्वेश्चन बन सकता, कुल मिलाकर 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये अभी अवार्ड जो मिला है इससे कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन ज़्यादा आपको करंट में देखने को नहीं मिलेगा। और अगला नेक्स्ट कहाँ ओलंपिक होना है, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ कहाँ होना है, नेक्स्ट वो, ठीक है, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स कहाँ होना है, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो इन सब के बारे में पूछ सकते हैं। तो इनको भी आप करंट में देख लीजिएगा बस, और करंट में कुछ ज़्यादा कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है, 3 से 2 क्वेश्चन आपको करंट में देखने को मिल सकते हैं। हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी कंसिस्टेड इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 18 गेम्स ये कॉमनवेल्थ 2018 गेम्स में जोड़े गए थे। आगे बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी नहीं है ये सब गेम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अच्छा, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये UPTGT जो कि 8 मार्च को हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, अ होलसम डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव में मार देंगे, नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है अ होलसम डेवलपमेंट। क्या है करेक्ट आंसर? अ होलसम डेवलपमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है व्हाट गिव्स वैटिलिटी टू फिजिकल एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन? वाइटलिटी है मतलब ऐसा रोल प्ले करता है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में हमको देखने के लिए मिला है, मतलब
कि फिजिकल एजुकेशन एक एकेडमिक मतलब कि पढ़ाई के तौर पे हमको देखने को मिला है, इनमें से कौन ऐसा महत्वपूर्ण रोल निभाता है? तो फिलोसफिकल बैकअप, क्योंकि उसका फिजिकल एजुकेशन का फिलोसफिकल बैकअप बहुत अच्छा है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव है इसकी तरफ। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको एकेडमिक डिसिप्लिन में रखा गया है। या स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कैरिकुलर, तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसमें जो साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं ना, ये फिजिकल एजुकेशन को एकेडमिक सब्जेक्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और सब क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव हैं और जो कि आपके एग्जाम्स एनवीएस में आने लायक हैं। फर्जी क्वेश्चन को पढ़ाने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्टेज है। और अभी जो मैं क्वेश्चन आपको सेट चल रहा है हमारा, मतलब 5 पार्ट, लगभग 5 पार्ट या 4 पार्ट जो आएगा वो पहले, वो जो मैंने सिलेबस आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, मैंने डाला हुआ था कि नवोदय का सिलेबस कैसा है अपने फिजिकल एजुकेशन का, तो वो जो पार्ट ए थ्योरी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, मतलब ये फिजिकल एजुकेशन और फिलोसफी और सब्जेक्ट चल रहा है, अभी आगे चलेगा और भी। ठीक है, तो इसके बाद में जब 6वां पार्ट लेकर आऊँगा तो उसमें मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मसाज, इंजरीज, इन सब के क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चन छाट के लेकर आऊंगा। ठीक है, एकदम बेस्ट क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस वो देखने को बहुत कम मिलेंगे। आप खुद भी कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर रहे हैं, अगर आप अपना लेवल देखना चाहते हैं, अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया हो तो, और नहीं किया है तो फिर कोई बात नहीं, जो भी हो कमेंट करके मेरा कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, अच्छा लगेगा मुझे, ताकि मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँ। टू वाट टाइप ऑफ फंक्शनिंग इज अ पर्सन विद एक्टोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड फाइंड मोर कंफर्टेबल? इसमें से आपको ये बताना है कि जो एक्टोमॉर्फिक पर्सन होते हैं तो उनमें कौन सी क्वालिटी फिजिकल फिटनेस की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी? तो इंड्योरेंस बेस्ड, स्पीड बेस्ड, एजिलिटी बेस्ड या स्ट्रेंथ बेस्ड? तो आप इसको एकदम सच बताइए, कैसे आपको पता चलेगा? ओके, इसका करेक्ट आंसर है इंड्योरेंस बेस्ड। तो पतले लोग क्या होते हैं, इंड्योरेंस बेस्ड कैपेसिटी उनके अंदर ज्यादा होती है, तो ये आप इंड्योरेंस बेस्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, इंड्योरेंस बेस्ड कैपेसिटी एक्टोमॉर्फिक पर्सन के अंदर ज्यादा होती है। चलिए आगे बात करते हैं। द फिजिकल एजुकेशन क्लासेस स्टूडेंट्स आर रेयरली कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ, फिजिकल एजुकेशन क्लास में ज्यादातर बच्चों को किस बेसिस पर, ठीक है, कैटेगराइज किया जाता है? रेयरली, बहुत कम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फिजिकल एजुकेशन के क्लास में, फिजिकल एजुकेशन के क्लास में अगर बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है तो कौन सा चीज़ बहुत रेयर देखा जाता है? तो वो मेंटल एज, मेंटल एज बच्चों में नहीं देखा जाता है। ठीक है, जब भी फिजिकल क्लास होती है तो उसमें मेंटल एज को देखे बिना ही हम एक्टिविटी कराते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस, हाँ ये क्वेश्चंस आ जाता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो होती है उसको हम और क्या कह सकते हैं, इंस्टिंक्टिव लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्फ लर्निंग। ठीक है, सेल्फ लर्निंग मतलब ट्रायल करके जो हम सीखते हैं वो तो हम सेल्फ सीखते हैं ना, तो इस वजह से ट्रायल एंड एरर थ्योरी को सेल्फ लर्निंग थ्योरी भी कही जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, ये सब क्वेश्चन जरूरत नहीं आपको। एलाइट डिस्टेंस रनर पोजेजेस, जो एलाइट डिस्टेंस रनर होते हैं, मतलब एलाइट मीन्स बहुत ही अच्छे एलीट होते हैं, एथलीट को एलीट बोला जाता है या एलाइट भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, आप इस पर सोचिएगा मत। तो एलीट डिस्टेंस रनर पोजेजेस, उनके पास क्या होता है जो बहुत ही अच्छे डिस्टेंस रनर होते हैं? मोर ऑफ इंटरमीडिएट ट्विच फाइबर्स, इंटरमीडिएट मतलब कि दोनों का मिक्स ज़्यादा होता है, मोर ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स, मोर ऑफ स्लो ट्विच फाइबर्स, नन ऑफ दीज। तो आप सही में इसका आंसर सुनेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्लो ट्विच फाइबर्स। स्लो ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा होने से ही डिस्टेंस रनर अच्छे अपनी एक्टिविटी कर पाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सेलेक्ट द वन नॉट एक्सक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन नहीं माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉट लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा है जो नॉट, देखिए ये चीज़ देखिए नॉट लिखा हुआ है,
तो पहला है नेशनल सर्विस, मतलब एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं माना जाता है। नेशनल सर्विस, सेल्फ रिलेशन ये हो सकता है, सेल्फ रिलेशन, ह्यूमन रिलेशनशिप ये भी हो सकता है, एजुकेशन से हम सीखते हैं व्यवहार करना, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो सकता है। तो अब इसमें जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, नेशनल सर्विस ठीक है, नेशनल सर्विस ये नहीं हो सकता है, मतलब ये एजुकेशन हमको नहीं सिखाता कि नेशनल सर्विस करना ही करना है, ठीक है, वो तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे नेशनल सर्विस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो एजुकेशन का ये उद्देश्य नहीं कि राष्ट्र की सेवा ही करना है, सेल्फ रिलेशन अपने आप को पहचानना होता है एजुकेशन का उद्देश्य, आपसी मानव संबंध होना चाहिए और आपका ह्यूमन प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए ये है। अब जरूरी नहीं कि हम नेशनल सर्विस यानी राष्ट्र की सेवा करेंगे सरकारी नौकरी पा जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, एजुकेशन में ये नहीं सिखाया जाता है। ओके आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ओके नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट मोर और लेस, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है जो नेचुरली डिटरमाइन करता है ज्यादा और कम नेचुरली, इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा हमारे फिटनेस का कंपोनेंट है जो कि नेचुरली डिटरमाइन करता है, मतलब फिटनेस कंपोनेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको ऐसे फिजिकल फिटनेस के बारे में बताना है कि जो नेचुरली होता है, तो स्ट्रेंथ नेचुरली है ना, इसको डेवलप किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी हम डेवलप करते हैं नेचुरली बहुत कम होता है, और बॉडी कंपोजिशन भी तो नेचुरली होता नहीं है, तो इसमें जो स्पीड होता है वो स्पीड आपका राइट आंसर होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर स्पीड कैसे होगा, तो ये बात जान लीजिए जो मसल फाइबर्स पाते हैं ना, वो मसल फाइबर हमें जेनेटिक्स मिलता है, तो हमारा जो स्पीड है वो हमारे मसल्स फाइबर्स पर डिपेंड करता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, स्लो ट्विच फाइबर्स एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स। तो जो रेशियो मिलता है स्लो और फास्ट का वो हमको जेनेटिकली मिलता है, तो वो कम और ज्यादा हो सकता है नेचुरली, ये चीज ठीक है, देखिए ये आप समझ लीजिए। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, हाउ मच ब्लड डज अ एलीट एथलेटिक हार्ट पंप आउट इन 1 मिनट। एक अच्छे एथलीट का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप करता है, जी इसका आंसर बताइए आप। जी इसका राइट आंसर है 22 लीटर, कहीं कहीं आपको 22.5 लीटर देखने को मिलेगा, लेकिन एक अच्छे एथलीट का जो हार्ट होता है वो लगभग 1 मिनट में 22 लीटर ब्लड को ऑक्सीजनेट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ मेन्स फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स हु सेड, यह किसने कहा है, सम ऑफ मेन्स फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये किसने कहा है आपको अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है कि ये नाम से सुने होंगे, जेसी फर्लिंग, फेरिंग विलियम्स, ड्यूडले, एलन सर्जेंट, चार्ल्स ए बुकर, एडवर्ड हिचकॉक। अब इसमें आपको मिलेगा ही नहीं भैया, ये जे एफ विलियम का ही फुल फॉर्म है, मतलब जे एफ विलियम आपने पढ़ा होगा, लेकिन इनका पूरा पूरा ये यहाँ आपको फुल फॉर्म देखने को मिला, जेसी फेरिंग विलियम्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ए, आया ना। कभी कभी क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमको आते हैं लेकिन उसके बावजूद हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग समझ में नहीं पाते हैं कि वो क्या है, तो जी एफ विलियम्स ने ऐसा कहा है। द एथलेटिक हार्ट, अगर हम एक एथलेटिक हार्ट की बात करें तो कैसा होना चाहिए आपको यहाँ बताना है, टेक्स मोर टाइम टू वार्म अप, वार्म अप होने के लिए ज्यादा टाइम लेता है, वर्क लेस रेस्ट मोर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब कि काम कम करता है और रेस्ट ज्यादा लेता है एक्सरसाइज के दौरान, मतलब काम कम करना पड़ता है उसको एक्सरसाइज के दौरान, ऐसा एथलेटिक हार्ट होता है, या फिर हम डज नॉट टायर एट ऑल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और जल्दी वो थकता नहीं है किसी भी तरह के एक्सरसाइज करने में, और चौथा ऑप्शन है आपका रिकवर्स फ्रॉम फटिक स्लोली, मतलब कि थकान से, फटिक मीन्स थकान से बहुत, ठीक है, बहुत स्लो रिकवर करता है। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह वर्क लेस, यानी ऑप्शन बी वर्क लेस एंड रेस्ट मोर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ओके दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन एंड लर्निंग आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब इंटीग्रेशन मतलब मिलाना और लर्निंग मतलब सीखना, कि ह्यूमन का कौन सा मेजर कंपोनेंट को दर्शाता है, मतलब कि लर्निंग हम किस में ज़्यादा करते हैं, अच्छी पर्सनालिटी में, कैरेक्टर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या एजुकेशन में। तो इसका जो सही आंसर है कि जो लर्निंग एक अच्छा कंपोनेंट होता है ह्यूमन का, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू चेंज होता रहता है। ठीक है, ये कंपोनेंट माना जाता है, लर्निंग किसका कंपोनेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैन एंड वोमेन डिफर विथ ईच अदर इन नियरली एवरीथिंग एक्सेप्ट। मैन एंड वोमेन क्या होते हैं वो, ठीक है, एकदम रेयरली डिफरेंट, मतलब डिफर होते हैं बस एक चीज को छोड़ के, लगभग वो सब चीजों में डिफरेंट होते हैं बस एक चीज को छोड़ के, हर चीज में डिफरेंट होते हैं। देखो, फिजिकल फीचर्स में भी मैन और वुमेन में डिफरेंस होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में भी होता है, और फिजियोलॉजिकल में भी क्या होते हैं, दोनों के फंक्शन अलग काम करते हैं, सेक्सुअल एनाटॉमी में भी अलग होते हैं। ये जो मेंटल होती है ना, ये डिफर नहीं होता है, लगभग जो ब्रेन होता है महिलाओं का और जो पुरुषों का लगभग एक जैसा काम करता है। ठीक है, तो मेंटल एज यानी मेंटल एबिलिटी दोनों में लगभग बराबर होती है, बाकी वो सभी चीज़ों पे क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। इसमें पूछा मैन एंड वुमेन डिफर विथ ईच अदर, ठीक है, एक्सेप्ट किसी एक चीज़ को छोड़ के, लगभग वो एक जैसे होते, डिफरेंस होते, हर चीज़ में डिफरेंस होता है एक चीज़ को छोड़ के, तो वो है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेम द ऑफिशियल मैस्कॉट फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जावी वाका। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ये आपको देखने को मिल सकता है, तो मैंने नए पैटर्न को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अवर पल्स रेट फाउंड टू बी द लोवेस्ट। इसमें से ऐसा कौन सा हमारा, ठीक है, मूवमेंट्स होगा जिसमें सबसे लोवेस्ट पल्स देखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो सकता है आपका स्लीपिंग। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फंसा भी देते हैं आपको, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रखा है ताकि आपको पता चल जाए स्लीपिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, हु आर द पार्ट टेकर इन स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक में कौन से या किस तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्पेशल ओलंपिक में इसका जो राइट आंसर है वो है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, स्पेशल ओलंपिक में। कुछ स्पेशल ओलंपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशल ओलंपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि पहला जो स्पेशल ओलंपिक गेम खेला गया था 1968 में, सबसे पहले बात ये जानी कि स्पेशल ओलंपिक में किस तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स। ठीक है, जो मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें, उनके लिए जो गेम कराया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, वो है स्पेशल ओलंपिक। ये पहली बार 1968 शिकागो अमेरिका में खेला गया था, और इसको फाउंडर हैं जो, वो है यूनाइस कैनेडी श्रीवर। तो कभी कभी स्पेशल ओलंपिक के बारे में पूछ सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि नया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के नीचे जब इंडिया लेवल पर खेला जाता है और इंडिया के लोग जब इस पर वो करते हैं तो उसे कहा जाता है स्पेशल ओलंपिक भारत। आगे बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेट की और जेआरएफ की तैयारी करने के लिए तो उसके लिए मैं रहूंगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कितने लोग हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। अ पर्सन पॉस्चर इज मोस्ट इफेक्टेड बाय हीज, जो इंसान का एक पॉस्चर होता है यानी जो उसका मुद्रा होता है वो ज़्यादातर इफेक्ट होता है किससे, उसके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है उसकी पॉस्चर, न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंड करता है, होम इन्वायरमेंट पे या मूवमेंट हैबिट्स पे। जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जी, इसका राइट आंसर होगा लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो हमारा ज्यादातर जो पॉस्चर है बॉडी का वो डिपेंड करता है हमारे लाइफ स्टाइल पर। इसका जो करेक्ट आंसर है लाइफ स्टाइल। आगे बात कर लेते हैं। मसल्स डेवलप्ड इन एनारोबिक एक्सरसाइजेस आर कॉम्पैक्ट विद मोर ऑफ। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे मसल्स में एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक एक्टिविटीज एक्सरसाइज से डेवलप क्या होगा, अगर हम एनारोबिक एक्टिविटीज करेंगे तो हमारे मसल्स में किस चीज़ के डेवलप होने के चांस ज़्यादा होंगे, एक्सप्लोजिव पावर, स्पीड बेस्ड एजिलिटी बढ़ेगी या स्ट्रेंथ बढ़ेगा।
जल्दी से बताइए आप इसका सही आंसर। जी, इसका राइट आंसर जो होगा, जितने लोगों ने ए बोला है उनका सही है। इसका जो राइट आंसर होगा कि अगर आप एनरोबिक एक्टिविटीज करते हैं तो एक्सप्लोजिव पावर बढ़ते हैं। अभी कुछ लोगों को एक्सप्लोजिव के बारे में भी नहीं पता है, तो ये थ्योरी क्लास में ले सकता हूँ, अभी बताऊंगा कितने टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं। और मेरा आज का क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है, और अगर आपको और भी आगे कोई वीडियो चाहिए तो लगातार कमेंट करिए और मुझे बताइए किस तरह का लगा। अगर कोई सुझाव देना है या कहीं मैंने गलत बताया हुआ है तो आप उस पर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि डेली मैं कम से कम 2 सेट डालूंगा और ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा जो कि आने के चांसेस होंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।